बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तथा मुश्ताक हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजी नाज, मैं घर में कंपोस्ट तैयार करने लगा हूँ और मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि किस तरह कंपोस्ट तैयार करनी है और किन चीज़ों से कंपोस्ट तैयार करनी है और कितनी देर के बाद ये कंपोस्ट तैयार हो जाती है और आप कब इसको पौधों में डाल सकते हैं, मिट्टी में मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने किया क्या कि मेरे पास एक प्लास्टिक की बाल्टी थी, मैंने वो इस्तेमाल की है। अब इस प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर निचली जगह पे मैंने छोटे छोटे ड्रेनेज होल बना लिए हैं, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। ड्रेनेज होल का फ़ायदा ये होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है मिट्टी के अंदर वो यहाँ से बाहर निकल आएगा। अब उसके बाद जितना भी आपके पास वेजिटेबल का वेस्ट होता है, फ्रूट का वेस्ट होता है, घर में जो सब्जियाँ आप खाते हैं इस्तेमाल करते हैं उनका जो वेस्ट होता है, उनके जो छिलके होते हैं, वो बाहर फेंकने के बजाय आप उनको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किस तरह करें इस वीडियो में देख सकते हैं उनका इस्तेमाल कितना ज़बरदस्त है। आप उनको रिसाइकल कर रहे हैं एक तरह से, यानी जो वेस्ट है उसको भी रिसाइकल कर रहे हैं। अच्छा नाजन, किया क्या मैंने, मेरे पास जो सब्जियों का वेस्ट था उनको मैंने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। बहुत सारी सब्जियों का वेस्ट है, फ्रूट के छिलके हैं, जिसके भी छिलके हैं, सारे के सारे मैंने एक जगह पर इकट्ठे कर लिए। अब उसके बाद करना किस तरह है, आपने कंपोस्ट बनाने किस तरह है, आपको कितना टाइम लगता है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। आपने ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना। अच्छा नाजिन, अब मेरे पास प्लास्टिक की बाल्टी में रख ली है। इस बाल्टी के अंदर करना है कि सबसे पहले एक लेयर जो है ना आपने वो मिट्टी की डाल लेनी है, थोड़ी सी मिट्टी डाल लेनी है आपने, नीचे अच्छी तरह से बिछा लेनी है। उसके बाद आपके पास जो वेस्ट है, सब्जियों का वेस्ट है, वो वेस्ट आपने एक लेयर उसकी बिछा देनी है। उसके बाद फिर मिट्टी डालनी है, फिर वेस्ट डाल देनी है, फिर मिट्टी डालनी है, फिर वेस्ट डाल देनी है। जो है इसके अंदर वेस्ट डाल देनी है, इस तरह आपने इसको कवर कर देना अच्छी तरह से, मिट्टी डाल देनी है और उसके बाद आपने हल्का सा इसको पानी लगा देना, हल्का सा इसको पानी दे देना आपने। अब इसके बाद इसको परा रहने देना नाजिम। अब इसका इस्तेमाल जो है नाजिम, मैं आपको बताता चलूँ कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ मैं करता हूँ। जितनी भी मैं सब्जियाँ लगाता हूँ, जितनी भी मैं घर में सब्जियाँ लगाता हूँ या खेत में लगाता हूँ या कंटेनर्स के अंदर लगाता हूँ, सारी की सारी सब्जियों के अंदर मैं ये वेस्ट, ये जो कंपोस्ट बनाई होती है, मैंने कंपोस्ट इस्तेमाल करता हूँ। इस्तेमाल किस तरह करते हैं कि 50% ये कंपोस्ट डाली जाती है और 50% जो गार्डन सोल होती है वो डाली जाती है। उन दोनों का एक मिक्सर तैयार करके उस मिक्सर के अंदर जो है ना मैं सब्जियाँ लगाता हूँ और उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होती है और 100% की ग्रोथ होती है। कोई केमिकल मैं इस्तेमाल नहीं करता, किसी किस्म की स्प्रे मैं नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये कंपोस्ट और मिट्टी इस्तेमाल करता हूँ, उससे बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाती है। अच्छा नाजिन, 15 दिन के बाद इसकी मैं जगह चेंज करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं हल्का हल्का सा निकालता हूँ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस तरह इसकी जगह चेंज करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कंपोस्ट जल्दी बन जाती है। आपने इस तरह करते रहना है, इस तरह करते रहेंगे तो कंपोस्ट जल्दी बन जाएगी आपकी। तो इसको करने के बाद फिर आपने हल्का से इसको पानी लगा देना। जी तो नाजिन, अब मेरे पास जो है इसको लगाए हुए, इसको बनाए हुए जो मेरे पास तकरीबन जो है वो 40 दिन हो चुके हैं। 40 दिन के बाद मैं इसको क्या करने वाला हूँ कि इसकी जो बारिश की वजह से इसकी जो सख्त तय जम गई थी इसके ऊपर, अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ। ये जो मेरे पास हाथ में मैंने पकड़ी हुई है चिमटी सी, इसकी मदद से मैंने इसको तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद करना क्या है कि मैंने इसको नीचे तक इसको जो ना फिर से अपने इसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश की है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरह आपने करते रहना नाजिन लाजमी, इससे कंपोस्ट जल्दी बन जाती है। अब ये करने के बाद फिर इसके ऊपर हल्का हल्का सा आपने पानी डाल देना। अब अगर आप इसको इस तरह वक्फे वक्फे के बाद करते रहोगे, चार दिन के बाद, 5 दिन के बाद, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, जिस तरह भी आप करना चाहें आप करते रहते हैं। अगर आप बर्तन खुले वाला इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कंपोस्ट जल्दी तैयार हो सकती है। मैं तो बाल्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसलिए ऊपर इसमें जो है ना इसकी पोजीशन चेंज करते हुए मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप खुली चीज़ ले लेते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज करते हुए इसका आसानी हो जाएगी आपको। अच्छा, इसको मैंने नाजिन परा रहने दिया था। परा रहने देने का फ़ायदा ये हुआ है कि इसके तकरीबन 4 महीने लगे हैं, 120 दिन लगे हैं और 120 दिन के अंदर इसकी कंपोस्ट तैयार हो चुकी है, पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस्तेमाल आप इसको अपनी सब्जियों में ऊपर से भी डाल सकते हैं, यानी अगर आपने सब्जियां लगाई हुई हैं तो आप ये हल्की हल्की कंपोज उनके अंदर डाल दें एज अ मल्च, ये भी आप डाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इस तरह की कंपोस्ट बनाएं, 50% ये कंपोस्ट डालें और 50% अपने गार्डन सॉइल डालें, उन दोनों का मिक्सर बना के उसके अंदर सब्जियां लगाएं। कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी, कोई आपको खाद वगैरह इसमें डालनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस कंपोस्ट के अंदर 100% ग्रोथ होगी और बेहतरीन ग्रोथ होगी। अब चेक कीजिएगा इसका रिजल्ट, 100% आपको अच्छा ऑर्गेनिक रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो मेरी कंपोस्ट तैयार हो चुकी है, इस कंपोस्ट को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। वक्फे के बाद मैं सब्जियाँ लगाऊंगा तो सब्जियाँ मैं इस कंपोस्ट की मदद के साथ लगाऊंगा। तो आज इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके इस चैनल पे आएंगी, आपने इस चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, अपने और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।